जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर गए। उत्तर प्रदेश को हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देंगे, इसको सलामत बनाएंगे, माताओं बहनों का सम्मान होगा, इनकी कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। जब हम वादा करते थे तो काफी सारे लोगों को लगता था इतनी विकट कानून और व्यवस्था की परिस्थिति कैसे सुधरेगी। मित्रों, मैं 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। पहले सपा बसपा ने यहां शासन किया तो बहन जी की पार्टी है वो आती थी तो एक जाति की बात करती थी, कांग्रेस पार्टी आती थी तो परिवार की बात करती थी और अखिलेश बाबू आते थे तो गुंडा माफिया और तुष्टीकरण की बात करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के 5 साल हो गए, ना जाति की बात है, ना परिवार की बात है, ना गुंडे माफिया तुष्टीकरण की बात है, बात है तो सुरक्षा और विकास की बात है और कोई बात नहीं। और अखिलेश बाबू को मैं सुनता था गलती कहकर गए यहाँ, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं, हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। तो और ये रिकॉर्ड है, लूट के अंदर 69% कर करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी हुई, हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है, अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया, आप आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा। मुझे मालूम है वो नहीं करेगा क्योंकि उनके पास बताने को। मित्रों, ये वोट जो है ना, वोट लोकतंत्र में अपने मत का अधिकार और मत अपना वोट बहुत बड़ी ताकत है। मैं कबीर साहब का एक दोहा मैंने मथुरा में भी कहा था, यहां पर भी कहना चाहता हूं। कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कभी लोहा एक है डरने में फेर, ताकि का उत्तर बने ताकि की शमशेर। उत्तर प्रदेश का वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। अगर सपा बसपा के साथ गया वो तो फिर से जातिवाद की बात आएगी, फिर से माफियाओं का राज आएगा। अगर गया वोट भारतीय जनता पार्टी के पास तो मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक राज्य बनेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश देश का नंबर एक। मित्रों,
मुजफ्फरनगर के दंगे, जिस प्रकार से वोट बैंक को ध्यान में रखकर दंगों में पुलिस ने कार्यवाही की, ऐसा पूरे देश में कहीं पर नहीं। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बनाने, जो आरोपी थे उनको पीड़ित, हजारों हजारों के फर्जी केस दर्ज करने का काम किया है। मैं तो संजीव बालियान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि फर्जी केस के सामने उन्होंने न्याय की बधाई दी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।